वेलकम बैक टू दी क्लासेस। सो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अगेन द सेम टॉपिक दैट इज़ द वेन डायग्राम, बट टॉपिक का हम सिर्फ आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा हुआ वेन डायग्राम के अंडर में, दैट इज़ द डेटा वेन डायग्राम जिसमें हम लोग डेटा के फॉर्म में वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ड वेन डायग्राम। सो वर्ड्स के फॉर्म में एंड डेटा के फॉर्म में जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की, अगर आपने वो वीडियोस गो थ्रू नहीं किया है तो टू वीडियोस ऑलरेडी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में ऐड है, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। वर्ड्स के फॉर्म में वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करना है एंड डेटा में भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम, डैट इज़ द ओनली केस एंड कॉमन एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को वो हमने डिस्कस किया। सो टुडे क्लासेस इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस बेस्ड ऑन योर द प्रीवियस वीडियो। सो प्लीज़ पहले आप वो वीडियोस गो थ्रू कर लीजिए, फिर साथ में ये प्रैक्टिस। तो ये तीनों वीडियो मिला के हमारा कंप्लीट वेन डायग्राम टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वोमेन रिसर्चर इंट्रोवर्ट। नाउ दिस इज़ अ वर्ड वेन डायग्राम। अब हमें रिलेशन जो सेट करना है वोमेन रिसर्चर, सो वोमेन एंड रिसर्चर के बीच में पहले अगर हम लोग थिंक आउट करें तो वोमेन एंड रिसर्चर में क्या कुछ रिलेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? यस, सम वोमेन्स आर रिसर्चर और वाइस वर्सा पढ़ेंगे, सम रिसर्चर्स आर वुमेन, मींस इन दोनों में हमारा सम केस आएगा। इन दिस बोथ वी विल गेट द सम केस। सो सम केस जो अगर हम लोग इसमें एनालाइज करें तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? ऑप्शन बी सी डी इन दोनों में सम केस है। नाउ कमिंग टू द रिसर्चर एंड इंट्रोवर्ट, देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड इंट्रोवर्ट? यस, सम रिसर्चर्स कैन बी द इंट्रोवर्ट बिकॉज इंट्रोवर्ट इज़ अ नेचर, जो कम बात करते हैं, मतलब जो अपने में कंजर्व रहते हैं ज़्यादा, एनी पर्सन जो कंजर्व रहते हैं, दैट इज दोज पर्सन इज नोन एज इंट्रोवर्ट, राइट? सो अगेन दैट इज़ अ सम केस कि वर्ल्ड में कुछ लोग होंगे जो दे कैन विद द इंट्रोवर्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि दे कांट विद द इंट्रोवर्ट। सो सम पर्सनस आर इंट्रोवर्ट एंड सम्स आर नॉट, राइट? इंट्रोवर्ट एंड वुमेन में अगर हम देखें तो सम वुमेन्स कैन बी इंट्रोवर्ट, दैट मीन्स द बेस्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, बी बी एलिमिनेट डी बी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दी वुमेन रिसर्चर एंड इंट्रोवर्ट। सो मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने आप ट्राई करते जाइए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, वुमेन मदर इन लॉ हाउस वाइफ। सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द वुमेन एंड मदर इन लॉ? तो ऑल वुमेन्स आर मदर इन लॉ, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, बट मदर इन लॉ है तो डैट मीन्स 100% वुमेन होंगी, डैट मीन्स ऑल केस रिलेटेड टू द मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ हमारा है तो 100% वुमेन होंगे। इन द सेम वे हाउस वाइफ हैं अगर, सो 100% वुमेन होंगे, हाउस वाइफ रिलेटेड टू द वुमेन ओनली, सो डैट मीन्स द बिगर सर्कल विल बी द वुमेन एंड उनके अंदर मदर इन लॉ एंड हाउस वाइफ इंटरलिंक होंगे। बट व्हाट अबाउट द मदर इन लॉ एंड हाउस वाइफ? क्या मदर इन लॉ एंड हाउस वाइफ में कुछ रिलेशन है कि नो मदर इन लॉज कैन बी द हाउस वाइफ और सब मदर इन लॉज आर हाउस वाइफ, व्हाट विल द रिलेशन? तो बेस्ट एग्जांपल होगा सम, नो तो हम नहीं कह सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द बेस्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, द बिगर सर्कल विल बी द वुमेन, उसके अंदर मदर इन लॉ एंड हाउस वाइफ आएगी, बोथ आर इंटरलिंक। क्वेश्चन नंबर थ्री, फीमेल डॉटर म्यूजिशियन। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फीमेल एंड डॉटर? अगर कोई पर्सन डॉटर है तो 100% फीमेल होगी, डॉटर इज फॉर द फीमेल ओनली, तो ऑल डॉटर्स आर फीमेल, अगेन ऑल केस आएगा यहाँ पर। बट व्हाट अबाउट म्यूजिशियन? तो सम फीमेल्स आर म्यूजिशियन एंड सम डॉटर्स आर ऑल्सो म्यूजिशियन, तो फीमेल एंड डॉटर का जो म्यूजिशियन के साथ इंटरलिंक है वो सम का केस है, बिकॉज मेल्स से रिलेटेड और दूसरे से म्यूजिशियंस भी हमारा इंटरलिंक होगा। सो बेस्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए, बिकॉज इन ऑप्शन बी जो दिस सर्कल है आउटर वाला जो सम केस फॉलो कर रहा है, सम केस ओनली बिगर सर्कल से फॉलो कर रहा है, स्मॉलर से फॉलो नहीं कर रहा है, डैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। डी तो ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गया बिकॉज में इंटरलिंक नहीं हो रहा है एंड सी हमारा ऑल केस नहीं फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए फीमेल डॉटर म्यूजिशियन। क्वेश्चन नंबर फोर, पैराबोला पॉलीगन हेक्सागन। नाउ कमिंग हियर द मैथ्स पार्ट। नाउ व्हाट इज पैराबोला? पैराबोला आप सबने बेसिक मैथ्स में 9th क्लास 8th क्लास 10th क्लास में पढ़ा हुआ है सबने। पैराबोला इज़ अ कर्व्ड सरफेस जो आपने देखा होगा, जो हमारा एक्स एक्सिस में फ्रेम होता है, दिस इज़ द पैराबोला, इट कैन बी द एक्स एक्सिस ऑल्सो और इट कैन बी इन द वाई एक्सिस ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट इज़ नॉट अ क्लोज फिगर, पैराबोला इज़ नॉट अ क्लोज फिगर। व्हाट इज़ पॉलीगन? व्हाट नाउ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पॉलीगन्स। सो पॉलीगन्स हम सब ने पढ़ा हुआ है, पॉलीगन मीन्स एनी क्लोज्ड फिगर मेड बाई लाइन, एनी क्लोज्ड फिगर
मेड बाई लाइन, एनी क्लोज फिगर मेड बाई लाइन। लाइन इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्लोज फिगर भी होना चाहिए और कंपल्सन है कि लाइन से ही बनना चाहिए। तो एनी क्लोज फिगर मेड बाई लाइन दैट इज ओनली द पॉलीगन, राइट। सो ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, हेक्सागन इज अ पॉलीगन, ऑक्टागन, डेकागन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ऑल दीज थिंग्स आर पॉलीगन्स। सर्कल इज नॉट पॉलीगन, सर्कल इज नॉट पॉलीगन। सर्कल इसीलिए हमने बचपन से, या आप कह लीजिए ज्योमेट्री में, सर्कल एंड ट्राइंगल, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल, फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 सर्कल इज ऑलवेज अ सेपरेट चैप्टर, बिकॉज सर्कल इज नॉट पॉलीगन। एनी क्लोज फिगर मेड बाई लाइन इज नोन एज अ पॉलीगन। आई होप क्लियर है। हेक्सागन भी आप सबने पढ़ा हुआ, हेक्सागन मीन्स जिसमें सिक्स साइड्स होती हैं। इट कैन बी द रेगुलर हेक्सागन और इट कैन बी द इररेगुलर हेक्सागन, जिसमें टोटल सिक्स साइड्स होती हैं, दोज नोन दे आर द हेक्सागन्स। तो हेक्सागन पॉलीगन है, यस ऑल हेक्सागन्स आर पॉलीगन। बट क्या पैराबोला भी पॉलीगन है? नो, पैराबोला इज नॉट अ क्लोज फिगर, बट ऑल हेक्सागन्स आर पॉलीगन। सो विच इज़ द ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर, ऑप्शन ए इज मैचिंग, रेस्ट ऑल आर द ऑप्शंस गॉट एलिमिनेटेड, बिकॉज ये हो जाएगा बिगर सर्कल हमारा हो जाएगा पॉलीगन, उसके अंदर आएगा हेक्सागन एंड दिस इज पैराबोला। पैराबोला हमारा ना पॉलीगन, पॉलीगन है ही नहीं और हेक्सागन से इंटरलिंक होता ही नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गया ये पार्ट आपको, राइट। सो ये आपने कर लिया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलीगन से रिलेटेड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अगेन नॉर्मल सेंटेंस, वुमेन मदर सिस्टर, मदर इज ऑल्सो अ वुमेन एंड सिस्टर इज ऑल्सो अ वुमेन। तो ऑल केस आएगा, ऑल मदर्स आर वुमेन, ऑल सिस्टर्स आर वुमेन डेफिनेटली। बट वट अबाउट सिस्टर एंड मदर? ऑल सिस्टर्स आर मदर और सम सिस्टर्स आर मदर? सम सिस्टर्स आर मदर ज़्यादा सुटेबल है, सो दैट्स वाई ऑप्शन सी। आई होप आप लोग का भी ऑप्शन सी था, मदर वुमेन सिस्टर, बेस्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, रेप्टाइल, फ्रॉग, एनिमल। तो ऑल रेप्टाइल्स आर एनिमल, ऑल रेप्टाइल्स आर एनिमल, ऑल फ्रॉग्स आर एनिमल। बट रेप्टाइल किसको कहते हैं? रेप्टाइल इन लाइक लिजर्ड, क्रोकोडाइल, जो आपने देखा होगा, दीज आर द रेप्टाइल्स, राइट, लिजर्ड। देखो फ्रॉग हमारा रेप्टाइल कैटेगरी में आता है? नो, फ्रॉग इज़ नॉट अ रेप्टाइल, बोथ आर एनिमल बट फ्रॉग इज़ नॉट कम अंडर रेप्टाइल कैटेगरी। सो क्या होगा, एनिमल के बिगर वन इज़ द एनिमल और उसके अंदर रेप्टाइल एंड अलग सर्कल होगा फ्रॉग। रेप्टाइल एंड फ्रॉग में कोई भी इंटरलिंक नहीं होगा, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट आंसर। ऑप्शन बी एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी एंड डी ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, आप लोग फिर से ट्राई करते हैं, फीमेल रिलेटिव्स अंकल, फीमेल रिलेटिव्स अंकल। तो व्हाट अबाउट फीमेल एंड रिलेटिव्स? सम रिलेटिव्स आर फीमेल एंड सम रिलेटिव्स आर मेल। तो सम केस आएगा यहाँ पे, ऑल रिलेटिव्स आर नॉट फीमेल, राइट, ऑल फीमेल्स आर नॉट रिलेटिव, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सो ऑल केस तो नहीं है, सम। व्हाट अबाउट अंकल? ऑल अंकल्स आर रिलेटिव, राइट, और सम अंकल्स आर रिलेटिव, सम अंकल्स आर फीमेल, नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अंकल एंड फीमेल में कोई इंटरलिंक नहीं है, अंकल एंड फीमेल देयर इज नो इंटरलिंक। तो नो केस तो होगा ही यहाँ पर, बट व्हाट अबाउट अंकल एंड रिलेटिव? तो अब एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस, चलिए एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज नो केस यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है इंटरलिंक, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज नो केस यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। कमिंग टू द ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन, इन बोथ वी आर गेटिंग द नो केस, सो दिस विल बी द फीमेल, दिस विल बी द रिलेटिव एंड दिस विल बी द अंकल। लग रहा है सही, ऑल अंकल्स आर रिलेटिव एंड नो अंकल इज़ फीमेल एंड सम फीमेल्स आर रिलेटिव। अगर इसमें हम रिलेट करें बी ऑप्शन में, दिस विल बी द फीमेल अंकल, बिकॉज उन दोनों में नो केस चाहिए, तो पहले हमने उनको मार्क किया, तो ये रिलेटिव का ऑप्शन बचा सेंटर वन। तो सम अंकल्स आर रिलेटिव, सम फीमेल्स आर रिलेटिव एंड नो फीमेल इज अंकल, राइट। तो बेस्ट आंसर इज ए और बी, आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट आंसर जा रहा है? अब अंकल हमारे पास, हम लोग सोसाइटी में रैंडम पर्सन्स को भी अंकल कहते हैं, आपने, आप सब भी कहते हैं, हम लोग भी, बट रैंडम पर्सन जो हमें कहीं मिलते हैं दोज आर अंकल, बट दे आर नॉट अवर रिलेटिव। तो हम ऑप्शन ए इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं बिकॉज ऑल अंकल आर नॉट रिलेटिव, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 100% करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 नाउ रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ट्रोपोस्फियर, एटमॉस्फियर, मेजोस्फियर। आप सब ने पढ़ा हुआ है कि एटमॉस्फियर इज़ द सराउंडिंग, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पूरा सराउंडिंग हम लोग का एटमॉस्फियर की वजह से ही रहते हैं। एटमॉस्फियर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं ज्योग्राफी में। सबसे फर्स्ट लेयर होती है अर्थ, अर्थ के अराउंड में आता है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाहर होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाहर होता है मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड सो ऑन सो ऑन। आप सब ने पढ़ा होगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, ओजोन लेयर की हाइट एंड अर्थ के बारे में ये सब ने पढ़ा हुआ है। तो एटमॉस्फियर में ट्रोपोस्फियर एंड मेजोस्फियर दोनों आते हैं। वेरी करेक्ट है, आपने भी यही सोचा, तो ऑल केस तो होगा। बट ऑल केस के साथ क्या ट्रोपोस्फियर एंड मेजोस्फियर में कोई इंटरलिंक है? तो दो बड़ा वाला अर्थ एंड उसके अंदर एक ही ऑप्शन हमारे पास, बाकी रेस्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। और ये ऑप्शन जो हमारा डी है वो करेक्ट भी क्यों है? बिकॉज ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी में हमारा ट्रोपोस्फियर एंड मेजोस्फियर आर टू डिफरेंट लेयर्स, उनमें इंटरलिंक नहीं है कि सम ट्रोपोस्फियर आर मेजोस्फियर, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर डिफरेंट लेयर, ट्रोपोस्फियर बट बोथ कम अंडर एटमोसफियर। सो एटमोसफियर, ट्रोपोस्फियर, मेजोस्फियर, आई होप क्लियर सबको। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अगेन आप लोग ट्राई करिए साथ में। ब्रदर, फादर, टैक्स पेयर। अब जो ब्रदर है क्या वो टैक्स पे नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। सम ब्रदर्स कैन पे द टैक्स, सम फादर ऑल्सो कैन पे द टैक्स, सम फादर्स आर ब्रदर और सम ब्रदर्स आर फादर, अगेन करेक्ट। ऑल तो रिलेट हो ही नहीं यहाँ पे, ऑल थ्री आर सम केस। सो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल? ऑल थ्री आर सम केस, डेट इज़ द बी ऑप्शन। आई होप क्लियर है। ऑल ब्रदर्स आर नॉट फादर, ऑल फादर्स आर नॉट ब्रदर, ऑल नहीं केस हो सकता है, सम केस है। सेम विद द टैक्स पेयर, सम केस, सो डैट इज़ बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटरेस्टिंग वन। इन दिस फिगर इज गिवन एंड वी हैव टू रिलेट द ऑप्शन वर्ड, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए, स्टेशनरी पेंसिल स्टेपल। तो पेंसिल इज अ स्टेशनरी, स्टेपलर इज ऑल्सो अ स्टेशनरी, सो बिगर सर्कल एंड उसके अंदर क्या आएंगे? दो। ऑप्शन ए इज नॉट मैचिंग। ऑप्शन बी, स्टेशनरी स्टेपलर इरेजर, अगेन द सेम, स्टेशनरी बिगर सर्कल, उसके अंदर स्टेपलर एंड उसके अंदर इरेजर, बिकॉज स्टेपलर इरेजर इज ऑल्सो अ स्टेशनरी, सो अगेन फिगर इज नॉट मैचिंग। एक्सट्रोवर्ट मैन हैंडसम, तो जो मेंस हैं वो सारे मेंस हैंडसम होंगे ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, सारे मन एक्सट्रोवर्ट होंगे ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं है, सम केस बेस्ट होगा इसमें। इन दिस विल गेट द दिस फिगर, ऑप्शन थर्ड द फिगर विल बी द लाइक दिस, सम मेंस आर हैंडसम, सम मेंस आर एक्सट्रोवर्ट, सम एक्सट्रोवर्ट्स आर हैंडसम, लाइक दिस। ऑप्शन डी देखते हैं, ब्यूरोक्रेट मैन वोमेन, ब्यूरोक्रेट मैन, सो इन दिस नो केस इज देयर, मैन वोमेन एंड सम ब्यूरोक्रेट्स आर मैन, सम ब्यूरोक्रेट्स आर वोमेन, सो ऑप्शन डी इज बेस्ट मैचिंग विद द गिवन फिगर। तो आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। आई होप क्लियर है, ब्यूरोक्रेट मैन वोमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द डेटा वेन डायग्राम। नाउ कमिंग टू अ डेटा वेन डायग्राम, जिसमें लोग डेटा के फॉर्म में अब रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, दैट इज़ द वेन डायग्राम पार्ट टू। आप लोग उसको, इस वीडियो को प्लीज़ गो थ्रू करिए, फिर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग ने आई थिंक कुछ कर लिया होगा, जो बच्चों ने ऑलरेडी वीडियो देखा हुआ या वेन डायग्राम क्लियर है उन्होंने आंसर बता दिया होगा। चलिए, हाउ मेनी फार्मर्स आर देयर हु आर विलेजर्स एंड बेनिफिशरीज ऑल्सो। अब इस डेटा में सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग फार्मर, स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग बेनिफिशरीज एंड ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग द विलेजेस। ऑल थ्री इंटरसेक्शंस, टू इंटरसेक्शंस एंड वन इंटरसेक्शन, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, राइट। अब हमें यहाँ क्या करना, हाउ मेनी फार्मर्स हु आर विलेजर्स एंड बेनिफिशरी ऑल्सो, यानी कि ऑल थ्री इंटरसेक्शन हमें चाहिए, फार्मर्स चाहिए, विलेजर भी चाहिए, बेनिफिशरी भी चाहिए। तो हाउ मेनी फार्मर विलेजर्स एंड बेनिफिशरी, कौन सा एरिया है जो तीनों में इंटरलिंक कर रहा है, डैट इज़ द आंसर इज 5। सो हियर द आंसर इज, हियर इज द आंसर इज, हाउ मेनी फार्मर, आंसर इज 5, बिकॉज 5 इज द वैल्यू जो तीनों में इंटरलिंक कर रही है। वेरी गुड, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, उसको चेकआउट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये आप लोग के लिए होमवर्क भी है, आप लोग थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूँ आपका, बट कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके आंसर बताइएगा। यहाँ पे फोर वेन डायग्राम का दिया, थ्री का दिया गया, जिमनास्ट, सिंगर एंड डांसर।
राइट, हाउ मेनी डांसर आर इधर जिमनास्ट और सिंगर बट नॉट बोथ, राइट? कितने डांसर्स हैं, या तो वो जिमनास्ट कर सकते हैं डांसिंग के साथ, कितने, हाउ मेनी डांसर्स जो जिमनास्ट कर सकते हैं या फिर सिंगर हो सकते हैं, लेकिन सिंगर और जिमनास्ट एक साथ नहीं हो सकते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको सेंटेंस। डांसर्स हु आर इधर जिमनास्ट और सिंगर, राइट? सो हाउ मेनी जिमनास्ट हु आर इधर सिंगर और जिमनास्ट बट नॉट बोथ, नॉट बोथ। सो इंटरसेक्ट हमें चाहिए डांसर का, स्क्वायर इज द डांसर। अब स्क्वायर इज द डांसर जो है, इस डांसर का एरिया जो हमारा ट्राइंगल के साथ भी इंटरलिंक कर रहा हो और जो आपका इस सर्कल के साथ भी इंटरलिंक कर रहा हो, वही एरिया हमें चाहिए। तो कौन सा एरिया है वो, आप लोग यहाँ पे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस थ्री, ये जो थ्री वैल्यू है, थ्री इज़ द वैल्यू जो मैंने ग्रीन मार्क किया, दिस इज़ द वैल्यू जो जिमनास्ट एंड डांसर बोथ है, करेक्ट है। सेवन इज़ द वैल्यू जो अगेन जिमनास्ट एंड डांसर बोथ है, डैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, राइट? और फिर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, डांसर एंड सिंगर भी हो सकता है। सो डांसर एंड सिंगर होने के लिए हमारा क्या होगा, वो आपको रिप्रेजेंट करना है। एंड इन दिस द डांसर इज रिप्रेजेंटिंग बाय द स्क्वायर, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा इस पर देख सकते हैं। सिंगर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्राइंगल, सिंगर कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, बाय द ट्राइंगल, ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग द सिंगर पार्ट, ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग द सिंगर पार्ट, राइट? सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताइए। हमें वो वैल्यूज़ बतानी है जो डांसर के साथ जिमनास्ट हैं और सिंगर हैं बट नॉट बोथ। सो प्लीज़ कमेंट द आंसर्स, मैं उसमें आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आई होप यहाँ तक क्लियर आपकी प्रैक्टिस होगी वेन डायग्राम का। अगर आपको इतना आ गया, दैट इज़ मस्ट सफिशेंट फॉर योर वेन डायग्राम। और भी हम इनकमिंग लेक्चर्स में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, बट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। पहले हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस विद द मैथ एंड विद द रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर अप करेंगे। देन वी विल कवर अप द लास्ट ईयर पेपर्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स ऑल्सो। वी विल डिस्कस द लास्ट ईयर पेपर ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स। एंड स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी थिंग, ट्राई टू सॉल्व ऑल द एग्जाम पेपर्स, बेसिक एग्जाम पेपर फॉर द बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश, बेसिक जीके, स्टैटिक जीके, बिकॉज दैट विल यू हेल्प यू इन योर पार्ट ऑल्सो। आप कोई भी एग्जाम दो, इधर फॉर द डिज़ाइन, इधर फॉर द आर्किटेक्चर, इधर फॉर द बैंक, इधर फॉर द SSC, इधर फॉर द UPSC, आप कोई भी एग्जाम दो अपने इंडिया में, आपको ये सारा कंटेंट हेल्प करेगा। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व द बेसिक पेपर्स, लास्ट ईयर पेपर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, हम वो भी करेंगे। तो स्टे ट्यून विद द चैनल, हम पहले हम टॉपिक्स कवर करेंगे ऑल द मैथ एंड रीजनिंग पार्ट, एंड पेपर्स भी साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।